चलो, तो टॉपिक इज होमोजेनाइजेशन। तो पहले मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, क्या है ये, करता क्या है, क्या गिवन होगा, क्या करता है, राइट, क्या देगा, ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। मान लो हमारे पास ये एक इक्वेशन है। अब जरूरी नहीं ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ठीक, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल इसी का, ठीक है। एग्जांपल मतलब मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1, प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका एग्जांपल लिया मैंने। नहीं, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था ना, अब इन जनरल कुछ भी यूज करना, रैंडम, ठीक है। मैंने सर्कल यूज किया बेसिकली, ठीक है। तो मैंने एक इसी का एक पर्टिकुलर केस ले लिया ये, ठीक है। नाउ इसके साथ साथ हमें एक लाइन गिवन होती है, ठीक है। क्या लाइन? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, ठीक है। इन दिस केस इस केस में एग्जांपल हमारी जो लाइन है, लेट से वो जा रही है ठीक है, राइट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? एक इक्वेशन गिवन होगी कोने की और एक लाइन गिवन होगी। इन जनरल कोने की इक्वेशन, एक लाइन गिवन होगी। अब ये कोने की इक्वेशन जो है, ये हमारा कुछ भी हो सकता है, राइट, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वगैरह कुछ भी 2 डिग्री इक्वेशन हो सकती है। नाउ अब होमोजेनाइजेशन क्या बोलता क्या है? देखो, होमोजीनियस टर्म याद करो, मैंने तुम्हें बताया था क्या होती है होमोजीनियस इक्वेशन, क्या होती है, जिसके अंदर हर एक टर्म की डिग्री क्या होती है, सेम, राइट। यहां पे 3 टर्म है जिसकी डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1, डिग्री 1, इसकी डिग्री 0। तो होमोजीनाइज करने का मतलब क्या होता है? डिग्री इक्वल बनाना, हर एक टर्म की डिग्री इक्वल करना। तो मेरे को इसकी डिग्री अगर 2 करनी है तो कितनी डिग्री इंक्रीज करनी पड़ेगी? 1। इसकी डिग्री अगर मेरे को 2 करनी है तो इसकी डिग्री 1 इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी 1 है। इसकी डिग्री 0 है तो 2 बनानी है तो 2 इंक्रीज करनी पड़ेगी, ये समझे। ऑनलाइन क्लियर हुआ? डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 2, डिग्री 1 तो 1 इंक्रीज करनी पड़ेगी, डिग्री 1 1 इंक्रीज करनी पड़ेगी, डिग्री 0 तो 2 इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब डिग्री इंक्रीज करते हैं इसको यूज करके, ये समझे। ऑनलाइन क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक। अब ध्यान से देखो जरा, इसको यूज करके डिग्री कैसे इंक्रीज करेंगे। मैं कांस्टेंट टर्म को उधर लेके गया, माइनस एन से डिवाइड कर दिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1। अब मेरे को ये बताओ, 1 की डिग्री क्या है? 0। इधर ये वाली टर्म की डिग्री क्या है? एक्स है 1, इधर की, तो लेफ्ट हैंड साइड की डिग्री 1, राइट हैंड साइड की 0। तो 1 की जगह जब मैं ये लिखूंगा तो मेरी डिग्री 1 इंक्रीज हो जाएगी, ये समझे, क्योंकि इधर डिग्री क्या है? 0, इधर डिग्री 1। तो 1 की जगह जब ये लिखूंगा तो 0 डिग्री की जगह 1 डिग्री आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, ए एक्स स्क्वायर 2hxy बी वाई स्क्वायर एज इट इज 2gx, इसको मैं लिख सकता हूं 2gx इंटू 1, और इस 1 की जगह मैंने ये डाल दिया, क्या आ जाएगा? एल एक्स प्लस एम वाई बाय माइनस एन। तो देखो क्या बना, डिग्री 1 इंटू डिग्री 1 डिग्री 2, डिग्री 1 इंटू डिग्री 1 डिग्री 2। तो बेसिकली ये टर्म की जो डिग्री 1 थी उसको एक और डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करके डिग्री 2 बना दिया, ये समझे। तो इसकी डिग्री 2 बन गई, प्लस 2fy, तो इसको भी लिखा 2fy इंटू 1, तो दैट इज 2fy इंटू 1, 1 की जगह लिखा lx प्लस my बाय माइनस एन प्लस कॉन्स्टेंट, इसकी डिग्री 2 इंक्रीज करनी है तो क्या करेंगे, सी के साथ लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो
तो ये बन जाएगा सी इंटू एल एक्स प्लस एम वाई बाय माइनस एन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखो ये भी डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके डिग्री टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके एक्स वाई की टर्म डिग्री टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके एक्स वाई की टर्म डिग्री टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके वाई स्क्वायर की डिग्री टू। इसका जब स्क्वायर ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी डिग्री टू, वाई स्क्वायर की टर्म आएगी डिग्री टू, टू ए बी में एक्स वाई की टर्म आएगी डिग्री टू, तो हर एक चीज डिग्री टू की बन गई। तो मतलब इस इक्वेशन को हमने होमोजेनाइज कर दिया, हर एक टर्म की डिग्री इक्वल बना दी इस लाइन को यूज करके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं होमोजेनाइज करना। एग्जाम्पल अभी इधर इस लाइन को यूज करके इसको होमोजेनाइज करना है, तो इसकी डिग्री क्या करनी है प्लस वन, इसकी डिग्री प्लस वन, इसकी डिग्री प्लस टू, ये समझे। तो कॉन्स्टेंट टर्म को इधर लाओ, टू से डिवाइड करो, तो डिग्री जीरो डिग्री वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज प्लस सॉरी माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स के साथ जो वन है उस वन की जगह लिखा जाइए दैट इज एक्स प्लस वाई बाई टू। लिखने को मैं स्क्वायर भी लिख सकता हूं उसका, लेकिन उससे क्या होगा ये डिग्री टू इंटू डिग्री वन डिग्री थ्री हो जाएगी, मेरे को डिग्री टू चाहिए इसलिए सिर्फ एक ही टर्म लिखूंगा, इसकी पावर वन लिखूंगा। आगे माइनस टू वाई, इसकी डिग्री वन इंक्रीज करनी है तो एक बार ये लगा दिया प्लस वन इंटू, अब इसकी डिग्री टू करनी है तो एक्स प्लस वाई बाय टू का स्क्वायर, ये कर दिया। अब ध्यान से देखो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये टू इसके साथ कटा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये टू कटा तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई बाय फोर इक्वल टू जीरो, ये समझे। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कटा माइनस टू एक्स वाई और एलसीएम लेके फोर तो माइनस एट एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई बाय फोर इक्वल टू जीरो, तो फोर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीरो हो गया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई माइनस एट एक्स वाई दैट इज माइनस सिक्स एक्स वाई इक्वल टू जीरो। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गए। अब अगेन दोबारा प्रोसेस समझो ऑनलाइन प्लीज ध्यान से, अभी मैं बता रहा हूं होमोजेनाइजेशन करना कैसे है, बट ये देगा क्या वो इसके बाद समझाते हैं। ये हुआ क्या, ये जो चीज बन के आई यहां पे फाइनली ये चीज बन गई, ये होगी क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी और इसका इन दोनों के साथ क्या लेना देना है, इसके बाद समझाता हूं। अगेन एक हमें कॉनिक दिया होगा और एक लाइन दे रखी होगी, कॉनिक को होमोजेनाइज करना है यूजिंग द लाइन। कोनिक को होमोजेनाइज करने का मतलब, कोनिक को होमोजेनाइज करने का मतलब मतलब कोनिक की जो इक्वेशन है उसके अंदर हर एक टर्म की डिग्री को बराबर करना। तो डिग्री टू डिग्री टू डिग्री टू, तो इसकी भी डिग्री टू बनाना जो कि करंटली डिग्री वन है, इसकी भी डिग्री टू बनाना जो करंटली डिग्री वन है, इसकी डिग्री टू बनाना जो करंटली डिग्री जीरो है यूजिंग दिस। अब इसको कैसे यूज करेंगे, डिग्री को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, एक्स वाई की टर्म एक तरफ रखी, कॉन्स्टेंट टर्म इधर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके, तो वन की जगह जब मैं ये लिखूंगा तो डिग्री जीरो की जगह डिग्री वन पुट कर रहा हूं मैं, तो डिग्री वन इंक्रीज हो जाएगी, ये समझे ना। अब यहां पे डिग्री टू एज इट इज, डिग्री टू वाली टर्म एज इट इज, डिग्री टू वाली टर्म एज इट इज, अब डिग्री वन को वन इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, टू जी एक्स एज इट इज, साथ में जो वन है, वन तो कहीं कहीं पर भी आ सकता है, तो इस वन की जगह मैंने ये सारा का सारा लिख दिया। इससे क्या हुआ, ये टर्म एक्स स्क्वायर बन गई, डिग्री टू इंक्रीज, डिग्री वन इंक्रीज हो गई, डिग्री टू बन गया, ये x y के साथ मल्टीप्लाई हो गए, इसकी भी डिग्री टू बन गई, तो जो डिग्री वन वाली टर्म थी वो डिग्री टू में कन्वर्ट हो गई। ऐसे इसके साथ 2xy के साथ अगेन ये लगा दिया, एंड c के साथ डिग्री टू इंक्रीज करनी है तो इसका स्क्वायर लगाया, इससे ये सारी की सारी टर्म क्या बन जाएगी, डिग्री टू की, मतलब एक एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, एक एक्स वाई की टर्म आएगी और एक वाई स्क्वायर की टर्म, तीन टर्म आएंगी और तीनों टर्म की सेम डिग्री होगी। वही तो करना था होमोजेनाइज, ये तो करना मोटिव था। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो इन दोनों की तो डिग्री टू है, इसकी डिग्री वन प्लस वन करना पड़ेगा, इसकी डिग्री वन प्लस वन करना पड़ेगा, इसकी डिग्री जीरो प्लस टू डिग्री करनी पड़ेगी। तो स्ट्रेट लाइन ये है, कॉन्स्टेंट इधर लेके गया, टू से डिवाइड कर दिया, तो वन की जगह जब मैं एक्स प्लस वाई बाय टू लिखूंगा तो मेरी जो वन है डिग्री जीरो वाली टर्म वो डिग्री वन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों टर्म्स की डिग्री वन है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस टू एक्स के साथ मैंने लगा दिया वन की जगह एक्स प्लस वाई बाय टू, एक बार लिख दिया ये,
माइनस टू वाई के साथ अगेन ये लिख दिया, प्लस वन के साथ इसी का स्क्वायर लिख दिया, सोल्व करके मेरे को बना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स एक्स वाई। तो इस इक्वेशन को मैंने होमोजेनाइज कर दिया यूजिंग द स्टेट लाइन एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ये प्रोसेस क्या करता है, होमोजीनियस इक्वेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है, गिवन इक्वेशन को होमोजेनाइज करने में हेल्प करता है यूजिंग स्टेट लाइन। बट इसका आया क्या, देगा क्या ये, वो मैं इसके बाद बताता हूं। ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ। हां जी यस सर। ध्रुव अजीज क्लियर हुआ? श्रेया यस सर। ये नोट करो, नोट कर लो, फिर इसका मैं बताता हूं क्या आएगा क्या। मान लो ये मेरी कोई कर्व है, जैसे ये वाली कर्व है, ये सर्कल है, तो अज्यूम करो ये सर्कल, ठीक है, और ये जो लाइन है इस कर्व को दो पॉइंट पे कट करके जा रही है, एक पॉइंट पे ए पे, एक पॉइंट बी पे, ये समझे, ठीक है। मतलब जो कोनिक गिवन होगा वो ऐसा होगा, और जो लाइन गिवन होगी वो उस गिवन कोनिक को दो पॉइंट पे कट करके जाएगी। अब हमारे पास टोटल तीन पॉइंट बने, एक ओरिजिन, एक ए एंड एक बी। तो ओरिजिन को ए से ज्वाइन करो, ओरिजिन को बी से ज्वाइन करो। तो ये जो दो लाइंस बनी, इन दोनों लाइंस का जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद ओरिजिन इज द रिजल्ट ऑफ द होमोजेनाइजेशन। तो जब मैं एक इक्वेशन कोनिक को एक लाइन के साथ होमोजेनाइज करके लाऊंगा, तो ये तो पता ना होमोजेनियस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, ये ओरिजिन से पास करने वाली वो वाली स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करके बनेगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करके जो ये दोनों लाइंस का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, होमोजेनाइजेशन का रिजल्ट वो आएगा। एग्जांपल यही वाली चीज अब मैं प्लॉट करके दिखाता हूं, इधर देखो जरा, ऑनलाइन ध्यान से देखना। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये बन गया सर्कल, ठीक है। देन लाइन क्या थी हमारी, एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, ये लाइन आ गई। अब ये देख लो दो पॉइंट आ रहे हैं, एक ये वाला पॉइंट आ रहा है और एक ये वाला पॉइंट आ रहा है। और ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। अब इन दोनों पॉइंट को जब मैं ओरिजिन से ज्वाइन करके ज्वाइन करूंगा, तो जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, जो दो लाइन बनेगी उनकी कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है, वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी। इसकी होमोजेनियस क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो भाई, बना ये पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करके ये लाइन, ये पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर, ये दोनों ग्रीन लाइन साथ में बन गई। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वही उन दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये समझे। तो होमोजेनाइजेशन हमें क्या देता है, होमोजेनाइजेशन देता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कौन सी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कौन सी दो लाइंस, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करके जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, इन दोनों लाइंस की जो कंबाइंड इक्वेशन बनेगी, वो ये होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, ये समझे, पक्का, राइट। अब ये पहले एक बार ये डायग्राम नोट कर लो, ये लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूं ये हेल्प कैसे करता है, किन क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, ये नोट करो पहले, ऑनलाइन नोट कर लो। देखो अब एक एग्जांपल देखते हैं जहां पे ये काम करता है।
ठीक है, ध्यान से देखना जरा। हाँ जी, पहला केस ठीक है, वो बोल रहा है ये कोड है पैराबोला की, इस पैराबोला की ये कोड है। ठीक है, कैसे बनेगा देखो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक है, x को जीरो पुट किया y माइनस टू, y को जीरो पुट किया x टू, तो ये a b कोड आ गई। तो वो बोल रहा है कि ये कोड इसी पैराबोला के वर्टेक्स पे क्या एंगल सबटेंड करेगी वो बताओ। क्वेश्चन समझे? ठीक है, मतलब ये कोड जो है ए बी, ए बी को ओरिजिन से ज्वाइन करो तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये कोड ओरिजिन पे वर्टेक्स पे उसके क्या एंगल से प्रिंट करिए वो बताओ। ये समझे? तो मतलब वो मेरे को थीटा एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस। ठीक है, अब या तो मैं एक काम करूं, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो, ये x1 y1 ये x2 y2 निकाल लो, फिर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करके इसका स्लोप निकालो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करके इसका स्लोप निकालो, फिर m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 का मोड करके tan थीटा निकालो। एक तो वो तरीका बहुत गंदा गया, क्योंकि इसके पॉइंट्स इरेशनल जाएंगे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करोगे इरेशनल पॉइंट्स जाएंगे, तो बहुत गंदगी हो जाएगी। इससे बेटर है मेरे को ये दिखा जाए ओरिजिन है, तो ये लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करिए उन दोनों को ज्वाइन करके, ओरिजिन के साथ ज्वाइन करके जो पेरो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, यानी कि अगर मेरे को ओ ए, ओ ए एंड ओ बी की पेरो स्ट्रेट लाइन मिल जाए, अगर मेरे को पेरो स्ट्रेट लाइन मिल जाए तो उसके बाद उसका एंगल का निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मेरे पास, तो मेरे को डायरेक्ट एंगल पता चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को इसके साथ होमोजेनाइज कर दिया। कैसे? देखो, वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, डिग्री टू डिग्री वन, सिर्फ एक ही टर्म है, एक ही टर्म की डिग्री वन इंक्रीज करनी है, होमोजेनाइज हो जाएगा। तो इसको यूज करके कैसे, एक्स को इधर लाओ, माइनस टू से डिवाइड कर दो। अच्छा वही कर, ठीक है, अब ये वन को इधर एक्स के साथ रख दो, तो क्या बन गया, वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स इंटू वाई माइनस एक्स बाय माइनस टू इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, ये टू इधर कटके टू, तो वाई स्क्वायर प्लस 2x into y, 2xy, 2x into minus x square, minus 2x square, that is equal to 0. ये समझे? तो ये कौन सी दो स्ट्रेट लाइन है, ये OA and OB की स्ट्रेट लाइन है। यहां तक क्लियर हुआ? पक्का? ये OA OB देगा, ये क्लियर हो गया? ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस। ठीक है, अच्छा अब इनके बीच का एंगल क्या होता है, फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ ए बी बाय ए प्लस बी का मोड। ये मालूम है? नहीं मालूम? कोई बात, चेक कल किया था, मे बी परसों किया था, लिखा होगा फिर तुमने, परसों लगाया था ना तुमने, एक बार चेक कर ले, लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है ना, तो ये फॉर्मूला है। तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या, माइनस टू, तो ट्वाइस अंडर रूट ऑफ, चलो एक एक करके, एच क्या होता है, एक्स वाई का क्वेश्चन होता है टू एच, तो ये टू आ गया टू एच, तो एच कैसे लग गया वन, तो वन का स्क्वायर वन, माइनस ए, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन माइनस टू, तो ये प्लस टू इंटू बी, वाई स्क्वायर का क्वेश्चन वन डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, तो ये जाएगा वन माइनस टू माइनस वन का मोड, दिस इज टेन थीटा, तो टेन थीटा इज ये रूट थ्री, टू रूट थ्री, तो थीटा क्या आ गया, टेन इनवर्स टू रूट थ्री। तो क्या स्टेप किया इस क्वेश्चन के लिए हमने, एक स्टेप में होमोजेनाइज किया, क्योंकि इक्वेशन सिंपल थी, एक ही टर्म को होमोजेनाइज करना था, तो बहुत इजीली होमोजेनाइज हो गया, उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकल गया। तो दो स्टेप के अंदर अंदर हमारा काम हो गया, मेजरली दो स्टेप किया हमने, ये समझे, कोई अलग अलग इक्वेशन निकाल ली, कोई ए एंड बी अलग अलग पॉइंट नहीं निकाले, कोई M1 M2 नहीं निकाला, डायरेक्ट हमारा काम हो गया। ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ?
राइट तो जब भी एक सेकेंड जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करके ओरिजिन के साथ जो लाइन बन रही है उनका अगर लेना देना है क्वेश्चन के अंदर तो यस मैं होमोजेनाइजेशन करूंगा, ये हिंट होता है होमोजेनाइजेशन का। बात समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस राइट। ये नोट करो एग्जांपल। ये क्वेश्चन एक बार खुद करना। हुआ तेरा एलसीएम ले, फीस के लिए इधर ला किया था वो कंफ्यूज आता है। इक्वल टू वन कैसे आया? ये जीरो को वन कैसे कर दिया तुमने? ठीक है, एलसीएम लेके सी स्क्वायर इधर, कॉस मल्टीप्लाई होके जीरो, फिर एक्स। अब ये बन जाएगा होमोजेनस इक्वेशन। अब उसके अंदर 90 डिग्री एंगल कब होता है? जब ए प्लस बी जीरो। ठीक है, हाँ समझ गया। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों का सम करके इक्वल टू जीरो कर दे, डायरेक्ट आंसर हो गया। जी ऑनलाइन देखो जरा, तो y माइनस एम एक्स इक्वल टू सी, सी से डिवाइड किया तो ये इक्वल टू आ गया वन। ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू, अब इसकी डिग्री टू, डिग्री टू, डिग्री जीरो, तो टू डिग्री इंक्रीज करनी है तो इसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि y माइनस एक्स बाय सी का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू जीरो। इसका ए स्क्वायर इधर आया तो इक्वल टू जीरो आया। नाउ नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर, ध्यान से देखो, नीचे आ जाएगा सी स्क्वायर, एलसीएम लेके सी स्क्वायर इधर, तो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या जा रहा है? सी स्क्वायर। इधर से एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन क्या जाएगा? एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एक्स वाई का क्वेश्चन इधर से तो है नहीं, इधर से जाएगा एक्स वाई वाली टर्म माइनस टू एम इंटू माइनस ए स्क्वायर, तो प्लस टू एम ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्वेश्चन इधर से सी स्क्वायर, इधर से वाई स्क्वायर का ऑप्शन माइनस ए स्क्वायर, दैट इज जीरो। तो ये आ गया, ये क्लियर है? हां जी ऑनलाइन ये क्लियर है? यस ऑनलाइन क्लियर है सबको? यस। ठीक है, नेक्स्ट। अब टेन थीटा क्या होता है याद करो, ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बाय ए प्लस बी का मोड, ये आ गया राइट। ए प्लस बी का मोड, ए प्लस 90 डिग्री मतलब ये नॉट डिफरेंट, मतलब ए प्लस बी जीरो, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट का सम जीरो, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, मतलब टू सी स्क्वायर माइनस, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो एम स्क्वायर प्लस वन इज जीरो। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, ध्यान से चेक करो। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस।
क्लियर हुआ? अच्छा क्या इसका कोई और तरीका है करने का इसी क्वेश्चन को सर्कल के केस में? बस यस, एक और तरीका करने का भाई, तेरे को क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हो गया दिवांश? ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को सर्कल के केस में बस करने का एक और तरीका। सर्कल कौन सा है? सेंटर, ओरिजिन, रेंडमली मान लो ये कोड है, ठीक है, कोई भी लाइन ले ली, ये कोड है। अब ये ए, ये बी, तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। हाँ जाना, ये 90 डिग्री होना चाहिए। ऑनलाइन ये क्लियर हुआ? यस। अच्छा अब देखो इसका रेडियस क्या है सर्कल का? ए, तो ये ए होगा। हाँ जाना राइट। अच्छा अब देखो यहां से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बनेंगे राइट, तो ये एंगल क्या आ गया? 45 डिग्री। हाँ जाना, ये लेंथ निकाल सकता हूं मैं इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर आने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा? देखो पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन, तो 0.0 से इस लाइन के ऊपर आने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? देखो 0.0 से इस लाइन के ऊपर आने वाला, तो पहले सब कुछ एक साइड लाओ, y माइनस एम एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो। अब जिस भी पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहा हो तो उस पॉइंट को पुट करते हैं, तो पुट करके 0.0 बचा माइनस सी कम और बाय x के क्वेश्चन का स्क्वायर, y के क्वेश्चन का स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ गया मेरा ये वाला डिस्टेंस। हाँ जाना क्लियर है? ऑनलाइन यहां तक क्लियर है? यस सर। अब देखो ये दोबारा बना रहा हूं, ये ट्रायंगल, सिर्फ ये ट्रायंगल की मैं बात करूंगा, तो ये एंगल 45 डिग्री, ये लेंथ आई ये राइट, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए। तो मेरे को ये बताओ कॉस 45 डिग्री क्या जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉस 45 डिग्री इज दिस लेंथ बेस, दैट इज सी बाय 1 + m² अंडर द रूट, दिस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब डिवाइडेड बाय, तो दैट इज सी बाय ए अंडर रूट ऑफ 1 + m² और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। अब दैट इज दिस इज 1/√2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्केयरिंग कर दो, तो रूट टू का स्केयर 2 × c² दैट इज ए स्केयर, ये इधर आके ए स्केयर अंडर रूट हटेगा तो 1 + ये समझे? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने, पाइथागोरस थ्योरम बोल दो या नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री बोल दो, वो लगाया। क्लियर हुआ? अच्छा माइनस सी का मोड, सी का मोड होगा, मोड के अंदर नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता। चल ये लिख दे, ये चलेगा, ये चलेगा। अब जब मैं स्केयरिंग करूंगा तो सी मोड का स्केयर और सी स्केयर बराबर होते। अब ठीक है, हां जी ऑनलाइन या ऑल्टरनेट मेथड क्लियर हुआ? Yes, yes. ये यही बताने के लिए है कि सिर्फ सर्कल के केस में ये सी वाला मेथड भी चल सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ होमोजेनाइजेशन वाला मेथड चलेगा। आई होप क्लियर हुआ, गुड। अब मान लो ये एक रैंडम कर्व है मेरी, जो कि 2 degree 2 variable इक्वेशन है, मतलब ये पैराबोला भी हो सकता है, लिफ्ट भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, रैंडम मैंने बनाया, कुछ भी हो सकता है, रैंडम कर्व बना दिया। अब एक स्ट्रेट लाइन है, यही दिया होता दो चीजें हमें, ठीक है, क्या क्या? ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0 एंड lx + my + c + n = 0 स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये लाइन है, ये है कर्व ये। नाउ अज्यूम करो दिस इज ओरिजिन। अब ये चीज समझो, भूल जाओ OA OB, भूल जाओ, बट ये चीज के साथ एग्री करो
कि जब मैंने इस इक्वेशन को इसके साथ होमोजेनाइज किया तो मेरे को क्या मिलेगा, होमोजेनियस इक्वेशन। हाँ जाना, होमोजेनियस इक्वेशन मिलेगी। और होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन। हाँ जाना, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन होती है। मतलब इन दोनों को होमोजेनियस करके जो मेरे को मिलेगा, ये तो क्लियर हो गया, वो होमोजेनियस इक्वेशन होगी, ओरिजिन से पास करने वाली एक लाइन होगी। ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, अगला। अब देखो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इसमें भी सेटिस्फाई करेगा, इसमें भी करेगा, क्योंकि दोनों पे लाई कर रहा है। हाँ जाना, हाँ जाना, दोनों पे लाई कर रहा है। तो अगर मैंने इन दोनों को साइमल्टेनियसली मैनिपुलेट करने की कोशिश की, उसमें भी करेगा। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पहली में भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरी में भी करेगा, और इन दोनों को साइमल्टेनियसली कुछ करने की कोशिश की उसमें भी करेगा, क्योंकि दोनों में इंडिविजुअली कर रहा है, तो साथ में अगर कुछ मैनिपुलेशन करूंगा तो उसमें भी करना चाहिए। तो भैया होमोजेनाइजेशन क्या हो रहा है, दोनों का साथ में तो मैनिपुलेशन कर रहा हूं मैं, और क्या कर रहा हूं। इधर से मैं वन की वैल्यू, मतलब देखो एक्स वन वाई वन, वाई वन एक्स वन वाई वन, तो मैंने ये जो पॉइंट है एक्स वन वाई वन, मैंने दोनों में पुट करा दिया, पहले में पुट करा के ये, दूसरे में पुट करा के ये। अब यहां से जब मैंने एल एक्स वन प्लस एम वाई वन बाय माइनस एन इक्वल टू वन किया, तो एक्स वन वाई वन आ गया इधर। अब जब मैंने ये इसके साथ होमोजेनाइज किया, तो पूरी इक्वेशन एक्स वन वाई वन में बन जाएगी। मतलब जो होमोजेनियस इक्वेशन आई, उसमें भी एक्स वन वाई वन सेटिस्फाई करेगा। मतलब जो होमोजेनियस इक्वेशन आएगी, उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेटिस्फाई करेगा। हाँ जाना, ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस सर। राइट, अगेन दोबारा समझो। जब मैंने एक लाइन को यूज करके एक इक्वेशन को होमोजेनाइज किया, तो मेरे को होमोजेनियस इक्वेशन मिली, मेरे को ओरिजिन से पास करने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिली। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इनको अगर मैंने साइमल्टेनियसली मैनिपुलेट करने की कोशिश की, उसके अंदर भी सेटिस्फाई करेगा। तो जो होमोजेनाइज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो साइमल्टेनियसली मैनिपुलेशन ही तो है। तो यानी कि जो होमोजेनाइज करके जो चीज मिलेगी, उसमें भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेटिस्फाई करेगा। मतलब जो फाइनल होमोजेनियस इक्वेशन मिली, उसमें भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेटिस्फाई करेगा। मतलब जो फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगी, वो ओरिजिन से पास करने वाली तो लाइन है ही है, प्लस ए से भी पास कर रही है, बी से भी पास कर रही है। हाँ या ना? तो ऑब्वियसली वो क्या होगी फिर, देयर एग्जिस्ट ओनली वन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि ए एंड बी से पास करे एंड ओरिजिन से पास करे। वो सिर्फ यही पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई पॉसिबल ही नहीं है, जो ए बी से भी पास करे, ओरिजिन से भी पास करे। तो दैट इज वाई होमोजेनाइज करने के बाद हमें क्या मिलता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस यस सर। गुड।